यूपी के महोबा से चुनाव प्रचार का शंखनाद करेंगे पीएम मोदी, 19 नवंबर को करेंगे दौरा। शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 151 अंक की उछाल के साथ खुला। देश में बीते 24 घंटे में 10,229 नए कोरोना मामले आए सामने, 125 मरीजों की मौत। बाबा साहेब पुरंदरे का राजकीय सम्मान से होगा अंतिम संस्कार, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे का ऐलान। सीतापुर जेल में बंद पूर्व मंत्री आजम खान की आज कोर्ट में पेशी। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन की। गाजीपुर के हैदरिया से शुरू होने वाला पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जिसका उद्घाटन 16 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सुल्तानपुर से किया जाना है, उसके उद्घाटन कार्यक्रम पर समाजवादी पार्टी ने राजनीति करते हुए गाजीपुर के हैदरिया में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का कार्यक्रम भी लगाया गया, जिसके तहत अखिलेश यादव विजय रथ पर सवार होकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से होते हुए यात्रा करते हुए अखिलेश का आजमगढ़ जाना तय किया गया था, लेकिन जिला प्रशासन ने कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सड़क को बड़े बड़े बोल्डर से बैरिकेडिंग कर दिया गया है। जब इस मामले पर समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक से बात की गई तो उन्होंने कहा कि प्रशासन अनुमति दे या ना दे, अखिलेश यादव का कार्यक्रम होगा, इसके बाद ये तय होगा कि वो किस रास्ते से आजमगढ़ जाएंगे। भाई तैयारियां की जा रही है अधिक से अधिक लोगों को ले आने की, हाँ, और एक हुजूम आएगा जो इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बातों को सुनेगा और उनके दिए गए निर्देशों के अनुसार अब से लेके 2022 के चुनाव तक जनता के बीच जाकर के उस संदेश को पहुंचाएगा, अधिक से अधिक मतदाता लोगों को बनाएंगे और अधिक से अधिक लोगों को साइकिल पर वोट देने के लिए प्रेरित करेंगे। और इस तरह उद्घाटन से पहले ही बैरिकेडिंग कर दी गई है, पीएम मोदी का दौरा भी है और अखिलेश यादव भी दौरा करना चाहते थे लेकिन उनको अनुमति नहीं दी गई है। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता पवन मिश्रा जुड़ चुके गाजीपुर से। पवन, जिस तरह से रोक लगा दी गई है और अखिलेश को अनुमति नहीं दी गई है, क्या कहेंगे इस पे? मैम, प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आज कल कार्यक्रम है और ठीक उसी समय माननीय अखिलेश यादव जी का भी कार्यक्रम है, तो डीएम साहब ने अनुमति नहीं दी है। जनसभा की उन्होंने अनुमति दी है लेकिन पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे जाने के लिए उनको अनुमति नहीं दी गई है, क्योंकि ये यूपी डा के क्षेत्र में अभी है, अभी जब तक उसका उद्घाटन नहीं हो जाता तब तक पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे कोई भी गाड़ी, कोई भी रैली या किसी प्रकार का भी आवागमन यातायात बंद रहेगा। उद्घाटन होने के बाद एक्सप्रेसवे से जाने की अनुमति नहीं है या फिर उनको रैली के लिए भी अनुमति नहीं मिली है? नहीं मैम, रैली के लिए अनुमति है, वो आ सकते हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार डीएम महोदय ने बोला है कि आप जो है जनसभा करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से रैली नहीं कर सकते हैं। किस तरह से बैरिकेडिंग करके रास्ते को बंद किया गया है पवन? मैम, बड़े बड़े बोल्डरों जो पत्थर होते हैं उनके साथ ही रात में करीब 9 बजे के आसपास जो है प्रशासन ने जो है बड़े बड़े बोल्डरों के साथ बैरिकेडिंग कर दी है। आने वाले मार्ग पे भी, उधर से जो वापस आते हैं उस वाले पे भी मार्ग पे जो है आवागमन पूरी तरह बंद कर दिया चुका है। जी पवन, जिस तरह से अखिलेश यादव जाना चाहते अपनी रैली के लिए, एक्सप्रेस वे को बंद कर दिया गया है, तो किस रास्ते का चयन कर सकते हैं अखिलेश? मैम, पूर्वांचल से ठीक नीचे जो पहले की NH 31 थी उसी रोड से आने जाने का उनका कार्यक्रम लगभग तय है। फिर भी मैं इस समय गाजीपुर में हूँ और प्रेजेंट टाइम में मैं जिलाधिकारी आवास के पास हूँ। अभी सफाइयों का एक दल जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह के यहाँ मिलने के लिए गया हुआ है कि क्या कार्यक्रम की रूपरेखा होगी या फिर कार्यक्रम कैंसिल हो सकता है। अभी इस तरह की कोई खबर नहीं आई और जैसे ही खबर आती है हम आपको फिर से अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के चलते क्या कुछ तैयारियां हैं पवन? मैम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर अभी तैयारी चल रही है, अभी कुछ
सही जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है, आज शाम तक आपको सारा प्रोटोकॉल से अवगत करा दिया जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे साथ गाजीपुर से संवाददाता पवन मिश्रा जुड़े थे। अयोध्या के गोसाईगंज पहुंची अनुप्रिया पटेल ने खेल प्रतियोगिता का भी शुभारंभ किया। इस दौरान जनसभा में भारी भीड़ देखकर अनुप्रिया पटेल गदगद भी दिखी, जिसके बाद जनसभा को संबोधित करते हुए अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अपना दल का क्या महत्व है आज सभी को समझ में आ रहा है। फिलहाल अभी सीटों के बंटवारे पर भाजपा से चर्चा नहीं हुई है, चर्चा के बाद सीटों के बंटवारा होगा और उसके बाद ही प्रत्याशियों का चयन किया जाएगा। आगे अनुप्रिया पटेल ने कहा कि नीट परीक्षा में ऑल इंडिया कोटे के तहत 27% पिछड़ों का आरक्षण लागू नहीं हुआ था। कई वर्षों से छात्र ये मांग कर रहे थे, इस मुद्दे को अपना दल ने मजबूती से उठाया और इसका समाधान भी निकाला। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि अपना दल अभी भी संघर्ष कर रहा है कि पिछड़ा वर्ग मंत्रालय बने, उम्मीद है कि संघर्ष के परिणाम सुखद होंगे। मैंने उदाहरण दिया नीट परीक्षा का कि ऑल इंडिया कोटे के तहत 27% जो पिछड़ों का आरक्षण है वो लागू नहीं किया गया था। कई वर्षों से छात्र मांग कर रहे थे, इस विषय को मैंने मजबूती से उठाया, अपना दल ने मजबूती से उठाया और इसका समाधान हुआ। इसी प्रकार हम संघर्ष कर रहे हैं कि देश के अंदर एक अलग से पिछड़ा वर्ग मंत्रालय बने और हमें पूरी उम्मीद है कि संघर्ष के परिणाम हमेशा सुखद होते हैं। देखिए, अपना दल और अपना दल का एक एक कार्यकर्ता और हम सब निरंतर जनता के बीच में बने रहते हैं। हम किसी पद पर रहें या ना रहें, अपना दल का एक लंबा संघर्ष का इतिहास है। हमने शुरुआत के कई वर्षों में कोई चुनाव नहीं जीता, लेकिन इतने लंबे वर्षों तक अपना दल निरंतर जनता के बीच में बना रहा और यही कारण है कि जनता का प्रेम हमें हमेशा मिलता है और उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपना दल का महत्व आज। बलिया सिकंदरपुर विधानसभा के चेतन किशोर मैदान में बसपा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यसभा सांसद आलोक सिद्धार्थ समेत तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं राज्यसभा सांसद आलोक सिद्धार्थ ने मंच से बीजेपी और सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि इस सरकार ने उत्तर प्रदेश में अपराध को बढ़ावा देने का काम किया, इनमें और समाजवादी पार्टी में कोई अंतर नहीं है। समाजवादी पार्टी की जब सरकार बनती है तो उत्तर प्रदेश में माफियाओं को बढ़ावा देने का काम करती है और इस बार जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो उन्होंने गुंडे माफियाओं के साथ साथ पुलिस माफियाओं को बढ़ावा देने का काम किया। ये सरकार साथियों केवल ठोकों की राज करो वाली नीति पाली ने सरकार है। इस सरकार ने उत्तर प्रदेश में अपराध को बढ़ावा देने का काम किया, इनमें और समाजवादी पार्टी में बहुत अंतर नहीं है। समाजवादी पार्टी की जब सरकार बनती है तो वो उत्तर प्रदेश में गुंडों माफियाओं को बढ़ावा देने का काम करती है और इस बार तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बनी तो इन्होंने भी गुंडों माफियाओं के साथ साथ पुलिस माफियाओं को भी बढ़ावा देने का काम किया। अब तो पुलिस ही हत्या कर देती, वो एनकाउंटर से लेकर के पैरों में गोली मारने तक का सबका रेट फिक्स रहता है और साथियों जब जरूरत पड़ती तो कभी साथियों उनकी कस्टडी में मृत्यु होती है तो कभी साथियों किसी व्यापारी की होटल में मृत्यु कर दी हत्या कर दी जाती है और साथियों सरकार चुपचाप रहती है, सरकार चुपचाप रहती है। अगर साथियों आप लोगों को याद होगा कि समाजवादी पार्टी भी इसी राह पर चलने वाली पार्टी रही है, ये समाजवादी पार्टी भी SC ST OBC की विरोधी नहीं है। समाजवादी पार्टी समाजवाद का खोखला नाटक तो करती है लेकिन ये वही समाजवादी पार्टी है जब संसद में रिजर्वेशन में प्रमोशन का बिल आया था तो इसी समाजवादी पार्टी। अलीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के मंडल कार्यकर्ताओं ने थाना गांधी पार्क इलाके के अचल सरोवर पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी बोको हरम में हिंदू धर्म की तुलना ISIS से की है, जिसके विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सलमान खुर्शीद की किताब को बैन करने की मांग की है। इसके साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि सलमान खुर्शीद की किताब को बैन नहीं किया गया तो हिंदुओं को महाराणा प्रताप और बाजीराव शिवाजी बनने में भी ज्यादा समय नहीं लगेगा। आज हमने यार अलीगढ़ में रामलीला ग्राउंड पर सलमान खुर्शीद जो है जो उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है उसमें उन्होंने हिंदुत्व की तुलना जो है ISIS और बोको हरम जैसे संगठन से की है जो कि एक आतंकी संगठन है और हिंदुत्व को आतंकी संगठन की तरह उन्होंने दर्शाया है।
और उन्होंने हिंदुत्व के साथ खिलवाड़ करा है, हिंदुत्व की आस्था के साथ खिलवाड़ करा है। हम चाहते हैं कि उनकी किताब पर प्रतिबंध लगे उनके खिलाफ। शहीद की किताब को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि आईएसआईएस और बोको हरम के साथ हिंदुत्व की तुलना की गई है, जिसकी वजह से काफी हिंदुओं को ठेस पहुंची है और कई संगठन सलमान खुर्शीद का पुतला भी फूंक चुके हैं और अब उनकी किताब को बैन करने की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा है कि सलमान खुर्शीद की किताब को बैन नहीं किया गया तो हिंदुओं को महाराणा प्रताप और बाजीराव शिवाजी बनने में भी ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो काफी बवाल मचा हुआ है, सलमान खुर्शीद की किताब लगातार चर्चा में है और ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। वहीं अब अलीगढ़ से ये खबर सामने आई है जहां बैन करने की बात कही जा रही है सलमान खुर्शीद की किताब को। हालांकि सलमान खुर्शीद ने एक कार्यक्रम के दौरान इन सभी बातों को नकारा था। उन्नाव के सिविल लाइन में श्री बालाजी मंदिर के पुजारी को नकाबपोशियों ने रोककर जान से मारने की धमकी दी है, जिसके बाद मंदिर के महंत धरने पर बैठ गए हैं। महंत ने बताया कि वो लगभग 22 सालों से इस मंदिर में पूजा कर रहे हैं। आगे महंत ने बताया कि सुरक्षा के अभाव में उनके परिजनों के साथ कुछ भी हो सकता है। देखिए, जान रहेगी तो भक्ति करेंगे, जब जान नहीं रहेगी तो बालाजी महाराज की सेवा कौन करेगा। अब धर्म का कार्य कर रहे हैं और अपने स्थान पे, ना कि ग्राम सभाज की जमीन में, ना किसी सरकारी जमीन पर कब्जा करके मैं मंदिर बनाया। मैंने अपनी जगह पर ड्राइंग रूम नहीं बनाया, बाबा का मंदिर बनाया जहाँ पर भक्तों का। कौशाम्बी में यमुना नदी से बालू का अवैध खनन का कारोबार खूब धड़ल्ले से चल रहा है, जिसके चलते उमरवल घाट पर दो गुटों में झड़प हो गई। बालू लोडिंग करने गए ड्राइवरों ने बताया कि इस दौरान फायरिंग भी की गई है। यमुना घाटों पर अवैध खनन पर इस तरह की वारदात कोई नई बात नहीं है। पुलिस और जिम्मेदारों की मिली भगत के चलते खनन माफिया बेखौफ तरीके से अवैध खनन करते नजर आ रहे हैं। वृंदावन में धार्मिक संस्कृति से छेड़छाड़ और हजारों साल पूर्व बनाए गए नियमों की अवहेलना करने, परमेश्वर के रासलीला निधिवन की वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करने के मुख्य आरोपी गौरव शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इसमें शामिल अन्य साथियों की पुलिस तलाश कर रही है। आपको बता दें कि 9 नवम्बर को यूट्यूबर गौरव जोन चैनल पर एक वीडियो पोस्ट की गई थी जो वृंदावन के निधिवन से संबंधित थी। ये वीडियो देर रात का था, जब लोगों ने ये वीडियो देखा तो हैरान रह गए कि आखिर ये लोग वहां कैसे पहुंच गए, क्योंकि मान्यता है कि संध्या आरती के बाद निधिवन को बंद कर दिया जाता है, दरवाजों पर ताला लगा दिए जाते हैं, किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। यहाँ तक कि निधिवन के बाहर बने मकानों की खिड़कियां दरवाजे भी बंद कर दिए जाते हैं। सोनभद्र के जरहा में अजित नदी के तट पर स्थित अजीरेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में बने भव्य राधा कृष्ण मंदिर में राजस्थान से लाई गई राधा कृष्ण की अद्भुत मूर्ति की शोभा यात्रा मंदिर समिति के अध्यक्ष और समाज सेवी राजेंद्र सिंह बघेल के नेतृत्व में गाजे बाजे के साथ धूमधाम से निकाली गई। ये शोभा यात्रा मंदिर परिसर से निकलकर NTPC के स्वागत द्वार पर पहुंची, जहां पहुंचने पर ऑफिसर एसोसिएशन के सचिव राम कुमार मिश्रा ने राजेंद्र सिंह बघेल एवं अन्य लोगों के साथ मिलकर पूजन अर्चन करके प्रभु से सबके स्वस्थ रहने की प्रार्थना की। देखिए, अंदर से श्रद्धा आती है और विशेष करके बघेल साहब जरहा को एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल बनने की ओर अग्रसर है और आगे चल के भी प्राण प्रतिष्ठा होगा, वहां पे प्रवचन होगा, कथावाचक आएंगे। मतलब जरहा एक शिव मंदिर था, आज वो बहुत बड़ा तीर्थ स्थल बन गया। आप यहाँ 12 बजे इंतजार कर रहे हैं, इसी क्या बात है कि आपकी मन में सुविधा है? मन में अच्छे भाव है, भगवान के प्रति आस्था है, मन में एक अच्छे भाव है और लोगों का जुनून है। लोग चाहते हैं कि इस तरह की परंपरा हर जगह निभाई जाए, जो कि अब धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है। मैं इसके लिए बघेल साहब और इनकी पूरी टीम को कॉलोनी की ओर से, अपने एसोसिएशन की ओर से, अपने यूनियन की ओर से मैं काफी धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस तरह का कार्यक्रम बराबर करते रहे। हम लोग पूरा
फतेहपुर के बकेवर में गांव बकेवर बुजुर्ग में चौड़ागर की ओर से आ रहे अज्ञात वाहन की टक्कर से छात्रा की मौत हो गई। उसके साथ पड़ोस की ही एक लड़की थी जिसको बचाने के लिए युवती ने उसे धक्का दिया और वो झाड़ पर गिर गई, जबकि खुद वाहन की चपेट में वो छात्रा आ गई। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के संवाददाता अमरदीप जुड़े हैं फतेहपुर से। अमर, जिस तरह से ये खबर सामने आई है, एक छात्रा ने अपनी ही पड़ोस की बच्ची को बचाने के लिए तबड़ा कदम उठाया, सराहनीय काम है, लेकिन इस बच्ची की मौत हो गई है, क्या कहेंगे इस पे? ये बात बिल्कुल सही है कि मामला फतेहपुर जनपद के बकेवर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये चौड़ागरा हाईवे का है, जहाँ पर ये एक गाँव की ही लड़की अपनी सहेली के साथ शौचक्रिया के लिए गई हुई थी और शौचक्रिया से लौटने के बाद उसके साथ ऐसी घटना हुई है। और हकीकत तो यह है कि उस अज्ञात वाहन का अभी तक पता भी नहीं चला है। पुलिस लगातार प्रयास जारी कर रही है उस अज्ञात वाहन को पकड़ने के लिए। पर हाँ, जहाँ पर यह बात आती है कि उस लड़की ने अपनी सहेली की जान बचाने के लिए खुद को मौत के गले पे मौत को गले लगा लिया, तो सराहनीय काम है। पर अगर देखा जाए तो जिसको बचाने के लिए उस लड़की ने अपने आप को समर्पित कर दिया है, तो उसके परिवार में इस समय कोहराम मचा हुआ है। पर वहीं दूसरी तरफ बकेवर थाना अध्यक्ष ने पोस्टमार्टम बॉडी को शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया हुआ है। जी, अभी तक यही स्थिति है। जी जी, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पे जानकारी के लिए। अगली खबर पे भी बने रहिए हमारे साथ अमरदीप। फतेहपुर के औंग थाना क्षेत्र के अकबरखेड़ा गांव के पास कुएं में चार दिन पहले लापता हुए युवक का शव बरामद हुआ है, जिसके मौके पर ही पहुंची पुलिस ने निकलवाया और युवक का शव कब्जे में लिया गया। उसका पेट फटा हुआ था, जिस पर औंग इंस्पेक्टर ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्यवाही की जाएगी। और इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता अमरदीप जुड़े हुए फतेहपुर से। अमरदीप, किस हालत में मिला है युवक का शव? देखिए, मामला ऐसा है कि फतेहपुर जनपद के औंग थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर अकबरखेड़ा जो व्यक्ति जो है, जिस व्यक्ति का शव मिला है, वो व्यक्ति जो है अपनी मतलब दूसरी पत्नी के साथ में, यानी पहले पति और उसकी पत्नी ने ये अपने दूसरे पति को मरवा करके, यानी उसको शव को जो है कुएं पे डलवा दिया, पेट फटा हुआ है। और इस बात का खुलासा उसकी लड़की ने किया हुआ है कि हमारे जो है पहले वाले पिता और मेरी माँ ने मेरे दूसरे पिताजी को मरवा करके डाल दिया है। ये अभी तक खुलासा सामने आया है और पुलिस पूरे मामले की जांच भी कर रही है कि आखिरकार इसके पीछे कारण क्या था। जी अमरदीप, कितने दिन से लापता था ये युवक? देखिए, ये युवक जो है, मेन चीज ये तो कन्नौज का रहने वाला था और इसने जो है औंग थाना क्षेत्र के कोड़िया गाँव में इसने जो है शादी कर ली थी। और ये जो रह भी रहा था, तो ये अपने ससुर के जंगल में बने हुए दूसरे मकान में रह रहा था। ये युवक चार दिन से लापता था और जिसकी गुमशुदगी और खाने में भी दर्ज है। जी जी, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे साथ अमरदीप जुड़े थे फतेहपुर से, संवाददाता। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।